सेवा में क्या होता है कि यदि उत्पादन बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आपकी आय बढ़ती है, और आय के बढ़ने के साथ साथ क्या है आपके खर्च बढ़ते हैं, और खर्च बढ़ने के साथ साथ पुनः क्या होता है आपका उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि खर्च ज्यादा करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आपको वस्तुओं की ज्यादा जरूरत होगी। अब ज्यादा वस्तुओं का उपलब्ध होगी जब उनकी उत्पादन की मात्रा बढ़ाएगी। तो अब यह आगे दो प्रकार के हैं, पहला प्रकार कौन सा है आय का वास्तविक और दूसरा कौन सा है आय का मौद्रिक प्रभाव। आय का वास्तविक प्रवाह और आय का मौद्रिक प्रवाह, तो हम लोग बात कर रहे हैं आय के वास्तविक प्रवाह के बारे में। तो चलिए लिखिए, एक बार सुन लीजिए पहले फिर लिख लीजिएगा, बोल दीजिए पूरा। आय के वास्तविक प्रवाह से आशय यह है कि बाजार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र या फर्मों की ओर होता है, तथा फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रवाह बाजार क्षेत्र की ओर होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर वास्तविक प्रवाह की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो परिवार है और दूसरा फर्म है। तो जो फर्म है वो किस पर ज्यादातर डिपेंड होता है, परिवार पर, और परिवार अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस पर डिपेंड होता है, फर्मों पर। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका एक डायग्राम है। अब फर्म जो उत्पादन करता है वो किसके लिए करता है, परिवार के लिए, और परिवार किस पर आश्रित रहता है, आय के मौद्रिक प्रवाह से आशय उस प्रवाह से है जिसमें फर्मों द्वारा उत्पादक के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में। बस यही है, अब देखो लाइन क्या है, दोबारा पढ़ो, स्लो स्लो पढ़ो, तेज तेज पढ़ो, यहाँ पे देख लीजिए। आय के मौद्रिक प्रवाह से आशय उस प्रवाह से है जिसमें फर्मों द्वारा उत्पादक के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में। फर्मों द्वारा उत्पादन के साधन, मतलब उत्पादन के साधन कौन से हैं, फर्मों के पास मशीन है, लेबर्स है, श्रमिक है, मजदूर है, बिल्डिंग है। ठीक है, उत्पादन के साधनों के बाद क्या लिखा है, उत्पादन के साधनों द्वारा ब्याज लाभ मजदूरी लगन आदि के रूप में दी जाती है। हाँ, तो आज के रूप में परिवार को क्या दी जाती है, इनकम दी जाती है। तो परिवार उस इनकम से क्या करता है, खर्च करता है, और परिवार किस पर आश्रित होता है, वास्तविक रूप से फर्मों पे, और फर्म किस पर आश्रित होते हैं, उत्पादन पे। क्लियर, वास्तविक और मतलब वास्तविक रूप से फर्म किस पर आश्रित होते हैं, परिवार पे, और परिवार किस पर आश्रित होता है, फर्मों पे, और मौद्रिक रूप से क्या है, जब फर्म क्या करते हैं किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के बदले में क्या है, किसी को इनकम देते हैं। ठीक है, इनकम क्या होता है, परिवार की आय हो जाती है। तो परिवार किस पर आश्रित रहता है, फर्मों पे, और फर्म किस पर आश्रित रहता है, उत्पादन। क्लियर, वही साइकिल चल रहा है। वास्तविक वस्तु प्रवाह में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं का आपसी विनिमय होता है। तो किसका किसका विनिमय, विनिमय क्या होता है, लेन देन चल रहा है। अब किसका लेन देन चल रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का, या तो सेवाओं के बदले में वस्तुएं मिल रही है या वस्तुओं के बदले में सेवाएं मिल रही है, और मुद्रा का प्रयोग विनिमय में अनुपस्थित होता है। मतलब ये जो लेन देन चलता है ना, इसमें मुद्रा का कहीं पर भी कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है कि वास्तविक वस्तु प्रवाह किसे कहते हैं, रियल गुड्स फ्लो किसे कहते हैं, जहां पर वस्तुओं का ही साइकिल चलता है जिसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं होता। अब अगर लोग कहते हैं कि वास्तविक मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं, मनी फ्लो, मनी फ्लो में क्या जाएगा, जो भी विनिमय होगा वस्तुओं का और सेवाओं का, वो किसके माध्यम से होगा, मुद्रा के माध्यम से होगा। तो उसी चीज को क्या कहते हैं, वास्तविक मौद्रिक कहते हैं, और वास्तविक वस्तु प्रवाह, दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। वस्तु प्रवाह में सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता है, मौद्रिक प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किसके माध्यम से होता है। चलिए।